आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया? बिल्कुल वाज़े है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री खवातीन की तरह जिन्होंने युजार सिर को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजार सिर के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द अमल से मुवाजना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मुवाजना पाक दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? बुलाओ जो मेरा पैगाम युजार सिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोथीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े युजार सिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी युजार सिफ से बात करने की हिम्मत हो उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मकर हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं, तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालत तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें जेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रुगर्दानी करो। हुक्म अदुली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजार सिफ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानू जुलेखा जैसी की गुनाह में अतात नहीं की जो मुझ पर हक़ मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अतात करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीन चेहरा आपकी नर्म दिली की अकासी करता है। अपने दीवानों की दिल शिकनी आप जैसे मेहरबान की शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब और एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की जबान में बात करूंगा। तो गोया जनाबे युजार सिफ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जनाबे युजार सिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामान नबूवत का परवरदा, शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कवों के दाम में नहीं आया करता। दुरुद बर आली जनाब युजार सिफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब।
बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं। वो बिलाशुबा लायक ताज़ीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या कहने आया था मैं? मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं, बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है, वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रजायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इजहारे मोहब्बत करना चाहता है, वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। सिर्फ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। यानी कोई रास्ता नहीं है? युजार सेफ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आरजी होगी कुछ अरसे के लिए, और युजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदो बंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। युजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ।